से मिलने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। हेमंत खुद भी आगंतुकों से पूरे जोश के साथ मिल रहे हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अध्याय शुरू होगा इस राज्य के लिए, और इस राज्य के लिए यह अध्याय, ये वक्त जो होगा, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी। सरकार बदली तो समा भी बदल गई। हेमंत सोरेन के सामने कतार लगी है, कोई फूलों का दस्ता लेकर आ रहा है तो किसी के हाथों में किताब है। हेमंत हाथ जोड़े खड़े हैं, कई घंटे तक लोगों से मुलाकात की, सेल्फी दी और दिलाई। कोई हेमंत के पांव छू रहा है तो हेमंत किसी के पांव। सरकार बदल चुकी है, सरकारें पहले भी बदली थी, सीएम पहले भी बने थे, मगर जनता के बीच से चुना हुआ नेता और ऊपर से थोपे हुए मुख्यमंत्री का फर्क आज झारखंड की जनता महसूस कर रही है। हेमंत जी को, हमारे मुख्यमंत्री को विशेष बधाई देने आए हुए हैं और उन्हें शुभकामना देने आए हैं कि वे हमारे झारखंड को एक अच्छे स्थान दिलाएंगे और एक विकासशील झारखंड बनाएंगे और जितना अभाव ग्रस्त है उसे दूर करेंगे। मिलने वालों में खास से ज्यादा आम है। आम लोगों में कुछ समर्थक है, कुछ चाहने वाले, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कई लोग यूं ही मिलने चले आए। हेमंत आवास में रौनक है, मुलाकातियों का तांता लगा है। 19 साल के झारखंड के भविष्य को लेकर लोगों में हेमंत से उम्मीदें हैं। हम अपने इस राज्य के लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाने का हमारा प्रयास है। इसीलिए हेमंत को सलाह भी कम नहीं मिल रही। लोगों में ऐसा उत्साह देखने को शायद तभी मिला था जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था। हेमंत सोरेन की अगुवाई में न सिर्फ महागठबंधन को बहुमत मिला बल्कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए झारखंड के तमाम जिलों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पलामू से लेकर संताल तक और कोल्हान से लेकर गिरिडीह तक में अपने प्रत्याशियों की जीत तय की। हेमंत की मेहनत और उनकी जीत का दायरा कितना बड़ा है उसका एहसास दिलाती है ये तस्वीरें। लड़ाई में एक तरफ जेएमएम के सामने थी बीजेपी जैसी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो दूसरी ओर थी रिशोम गुरु शिबू सोरेन का दल। एक तरफ देश की सबसे अमीर पार्टी जिसके खजाने में अरबों रुपए हैं, तो दूसरी ओर थी झारखंड के आदिवासियों की आवाज बुलंद करने वाली। 2019 का विधानसभा चुनाव जिस अंदाज में हेमंत ने लड़ा और जीता, उसके बाद उनका राजनीतिक कद न सिर्फ झारखंड में बढ़ा बल्कि पूरे मुल्क में अपनी अलग पहचान बनाई। हेमंत के साथ न तो पीएम मोदी जैसे देशव्यापी नेता का जादू था और न ही मुख्यमंत्री रघुवर दास जैसी पार्टी का समर्थन। फिर भी उनकी जीत ये बताती है कि देश में डेमोक्रेसी की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये लोकतंत्र की ताकत ही कहलाएगी जिसकी बदौलत हेमंत ने अपना जानाधार बनाया। पार्टी के नेताओं और कांग्रेस जैसे दल को कम सीटें देते हुए अपनी राजनीतिक हैसियत भी बरकरार रखी। हेमंत के सिर पर ताज है, मगर सरकारें चलाने का पुराना तरीका बदल चुका है। सिर पर कांटों का ताज तो पहले भी होता था, लेकिन अब जमाना सोशल मीडिया का है, जहां हर दिन अपने काम का आकलन होगा, हिसाब किताब होगा और हर दिन जवाबदेही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।